और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पहले तो टाइटन डीमन की एंट्री हुई, फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट हुई, और उसके बाद में आई थिंक स्किबिडी के बंकर वंकर में गए थे। और ये एपिसोड आया है 2 मिनट 40 सेकंड लंबा। भाई टाइमिंग एक तो पता ही नहीं चलता कि कब एपिसोड आता है। हम लोगों देखे हुए भी ये देखो पूरा 10 दिन हो गया। मैंने हाथों हाथ उसी दिन वीडियो डाला था, लेकिन ये वाला वीडियो आई थिंक इंडिया के टाइमिंग हिसाब से 3:30-4 बजे आया होगा, इसलिए भाई अभी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं यार। और एक बात मैंने सुना है कि भाई स्किबिडी के एपिसोड्स में ना बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स डाले गए हैं, और ये वाला एपिसोड तो भाई कमेंट में तुम लोग मच गए हो कि वाह ये एपिसोड बहुत अच्छा, आपको देखना चाहिए, इसमें तो कुछ ज्यादा ही चीजें हुई है। तो वाह हम लोग सब फाइंड आउट करेंगे, तो फटाफट से इस एपिसोड को हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग पार्ट 1 भी देख लेते हैं, 2 ही मिनट का है, रिवीजन भी हो जाएगा, तो ईस्टर एग ढूंढने में बड़ा फायदा होता है। लाइक तो मैंने पहले से ही कर रखा था, सब्सक्राइब भी कर रखा था। गाइस तुम लोगों ने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो फटाफट से, चैनल को लाइक करोगे यार तभी तो अच्छा लगता है ना, क्रिएटर को बहुत अच्छा फील होता है। तो यस हम लोगों ने देखा था कि उसकी स्किबिडी के बंकर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर हमें बाहर में फाइट दिखाया गया था। ओके ये सब भाई, हाँ हाँ यार ये आइकॉनिक फाइट मेरे को बहुत पसंद आई थी। लेट्स गो, टीवी अलग अलग से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइटन टीवी मैन को पूरा पावरफुल दिखाया गया था कि ये अनबीटेबल हो गया है। तुम लोगों को टाइटन टीवी मैन कैसा लगा, मतलब तुम लोगों को क्या लगता है टाइटन टीवी मैन से अब कौन सा ज्यादा होगा जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि अपन देखेंगे टाइटन कैमरामैन भी इंजर्ड है, टाइटन स्पीकर मैन भी इंजर्ड है, तो आई थिंक उन दोनों को भी अब ये लोग अपग्रेड करेंगे। तो भाई ये देखो ये अपना इन्फेक्ट भी नहीं हो सकता टाइटन टीवी में। अब तुम लोगों को क्या लगता है भाई स्पीकर मैन ज्यादा अपग्रेड हो गया आएगा या कैमरामैन? ये सीन सबसे फनीएस्ट कॉमेडी, जबरदस्त सीन। और भाई अपने अभी भी लड़ रहे हैं टाइटन कैमरामैन और स्पीकर मैन, इतना इंजर्ड हो रखे थे तो भी। और ये देखो एक हाथ को टेलीपोर्ट करके इसने काट दिया था। साइंटिस्ट तो बंकर के अंदर भाग चुका है, और ये फेक जी मैन ही है आई थिंक। यस हाँ फेक ही है ये देखो, रियल जी मैन भी शायद अंदर ही होगा ना। ओ ताली बजाओ, लेट्स गो भाई, वेरी स्मार्ट। और यहाँ पर बिग टीवी मैन हमें फाइनली इतने देर बाद देखने को मिला था, उसे ऑर्डर दिया कि तुम अंदर जाओ, लेकिन ये बोलता नहीं, हाँ मेरे को याद है, ये बोलेगा मेरे स्क्रीन में देखो, और शायद यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि भाई आधा ही हुआ है, बिल्कुल मजा आया। लेकिन मेरे को अब लगता है कि इसके अंदर में बंकर का एपिसोड दिखाएगा, क्योंकि थंबनेल देखो ये कुछ नया है ना। चलो यार वेट नहीं करता है, अब देखना ही है। ये हम लोगों ने एपिसोड चलाया, लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब तो पहले से है ही, लेट्स गो। ध्यान रखना है कि हमें ईस्टर एग्स भी ढूंढने हैं भाई। पहला सीन ये लो अंदर घुस के मार रहे हैं, खतरनाक, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसको बोलते हैं स्वैग। तो हम लोग प्लंजर मैन के कैमरामैन के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, ये सब प्लंजर कैमरामैन देख रहा है। ओए ओए एक सेकंड, स्किबिडी का लोगो चेंज हो गया क्या फिर से? ये स्किबिडी का लोगो देखो, 2 लेजर्स निकल रहे हैं, और ये तो डोर है आई थिंक, मतलब वापस से चेंज नहीं हुआ होगा जो हम लोगों ने देखा था। तो अभी गेट खोलना है। ओरो भाई ये क्या है, इसके पास हैकिंग स्किल्स भी है, वाओ। अरे छोटे छोटे टॉयलेट ठोक दो इनको, तो क्या बात है, यस। कितने दिन बाद फ्लश देख रहे हैं ना, काफी टाइम से फ्लश नहीं देखा था। या ओ फिर से हैक किया भाई 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 भाई, ये हैकिंग वाली पहले तो नहीं देखा था हम लोगों ने, इस कैमरामैन के पास था। ओ ये फैक्ट्री लग रही है मेरे को। ओके हम लोग भाग के गए, हम लोग प्लंजर कैमरा मैन है ना। यस यस ओ माय गॉड यस, ये तो फैक्ट्री है। ओ माय गॉड एसिड लगा रहे हैं, और रे यार हमारे अलायंस मेंबर का यही तो सबसे बड़ा कमजोरी है, तुम लोग जानते हो ना कि ये लोग एसिड को नहीं सहन कर सकते। हम लोगों ने देखो 67 के पार्ट 1 में भी तो देखा था, ये माफिया स्किबिडी ये भी एसिड लेके आया था, और इससे काफी डैमेज हुआ था।
यस, और फिर ये स्पीकर मैंने यहाँ चाटा मारा था भाई, टाइटन्स ही ये है ना एसिड को संभाल पा रहे थे काइंड ऑफ। तो भाई साइंटिस्ट टॉयलेट ने दिमाग अच्छा लगाया यार, ये मतलब पूरा एसिड आर्मी बना रहा है, ओ माय गॉड। और ये बोल रहा है कि मैं रॉकेट लॉन्चर छोड़ दूं क्या, तो भाई प्लंजर मैन ने मना कर दिया, बोला मेरे को देखने दो। और ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन एरर हो गया कुछ, ओ माय गॉड, ओ हो अलर्ट हो गया है लोग, जानते हो इसे, ये तो कैरेक्टर्स को जानते हो तुम लोग। देखो मैं बताता हूँ, पहले काफी फेमस टीवी सीरीज आता था अमेरिका में, उसका नाम था ब्रेकिंग बैड। इसमें ये दोनों बंदे मिलके ना कुछ केमिकल बनाते थे, यू नो नशे वाली चीजें। लेकिन ये शो काफी हिट था और मैंने पूरा देखा है, 5 सीजन, काफी अमेजिंग था ये दोनों का कैरेक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग यहाँ पे कुछ कुक कर रहे हैं। अच्छा ओके, और उसने फाइनल अटैक कर ही दिया और इसने हैक कर दिया गेट को। ओ एक सेकंड, यहाँ पे ईस्टर एग्स होते हैं ना, ये देखो, मेरे को लगा भी था कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देखो अभी भी धुंधला दिखा है मेरे को, थोड़ा सा फ्रेम को सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पीछे, यस ये देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ तुम लोगों के लिए, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा -GZSB YDWTQ। ये मेरे को भाई कुछ अजीब लग रहा है, ये तो कोई URL टाइप लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं YouTube के बाद में, क्योंकि YouTube का URL ज्यादातर इस तरीके से होता है, आगे में माइनस भी था ना, -GZSB, हाँ ये मैंने लिख दिया। अगर मैं एंटर मारूं, भाई वीडियो खुल गया भाई, ओ भाई गाइस हम लोगों ने सीक्रेट वीडियो ढूंढ लिया है। ये देखो गॉडज़िला गेट हम्बल्ड, ये उन्हीं के चैनल पे अनलिस्टेड वीडियो है। अनलिस्टेड मतलब जो सब लोग नहीं देख सकते, सिर्फ उनको लिंक चाहिए होता है, जैसे हम लोगों ने लिंक खोल के किया। वाओ एक सीक्रेट एपिसोड मिल गया जो 36 सेकंड लंबा है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले एक बार इस एपिसोड को थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ और ईस्टर एग मिस तो नहीं हो गया ना, इधर में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ये तो बहुत दूर भी है। ओके ये गेट बंद कर दिया, लेट्स गो, हम लोगों ने सीक्रेट एपिसोड, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, भाई अपने बंदे के लग गए भाई। ओ ये रहा एक नया टॉयलेट, वो भी साइंटिस्ट लग रहा है मेरे को, ये देखो ओ माय गॉड, ये असिस्टेंट साइंटिस्ट लग रहा है मेरे को। उसको भगा दिया, लेकिन भाई अपने कैमरामैन के चोट लग गई है, लार्ज कैमरामैन के। अरे यार ओ ये मरने वाला है, ये अपना लेंस दे रहा है भाई, इसके लिए लाइक कर देना यार, बेचारा कब से लड़ रहा था ये, RIP भी लिख देना इसके लिए कमेंट में, और लाइक जरूर करना। और हम भी प्लंजर कैमरा मैन को गुस्सा आ रहा है, रुक अभी तेरी का बजाता हूँ। और हम लोग मेन हेडक्वार्टर में, मेन रूम में पहुंच गए हैं, जहाँ पर बॉस साइंटिस्ट की बीड़ी है। गाइस उसमें तो बहुत मजा आया, लेकिन अब ये सीक्रेट एपिसोड भी देखना बाकी है, 36 सेकंड लंबा है। गॉडज़िला, पता है मैं गॉडज़िला पर रियल लाइफ वीडियो देखने का भी सोच रहा हूँ, पता गॉडज़िला अगर रियल लाइफ में आ गया तो कैसा होगा, वो भी मैं वीडियो देखने का सोच रहा हूँ। लेकिन उसके पहले ये एपिसोड देखते हैं, इसमें क्या है। अच्छा ओ भाई ये तो वैसा ही है गॉडज़िला रियल लाइफ में आने जैसा, ओ माय गॉड। तुम्हें पता है ना गॉडज़िला का नया ट्रेलर आया है, अभी नया फिल्म आने वाला है, तो टाइटन टीवी मैन गॉडज़िला से फाइट कर रहा है, जैसे जी मैन को मारा था वैसे गॉडज़िला को काट दिया। लेट्स गो, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। और टीवी मैन ये कह दिया कोपियम मस्त है ये। तो गाइस मैं सेकंड चैनल पे कल या फिर आज ही गॉडज़िला इन रियल लाइफ का भी वीडियो डाल दूंगा भाई, वो भी हम लोग देखेंगे, एक अलग वीडियो होगी जो बहुत ही मजेदार होगी। और लास्ट वीडियो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके देखो, तब तक इसकी वीडियो की न्यू एपिसोड भी आ जाएगी। और हम लोगों ने कितने वीडियोस खेल लिए है भाई गेमिंग चैनल पे, रिएक्शन पे, सब जाके देखना। तो चलो हम लोग मिलते हैं एंड वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।